अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अमन अमान में होंगे। जी नाज़रीन, तो जैसे आप मुझे देख रहे हैं, आज मैंने दाढ़ी शाड़ी सेट करवाई है यार। दाढ़ी वगैरह बहुत बढ़ चुकी थी, मैंने कहा अपनी दाढ़ी शाड़ी सेट करवाऊँ, क्योंकि मैंने आज जाना था एक आर्ट गैलरी में। जी जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देख लिया होगा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था टेट मॉडर्न के बारे में, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं टेट मॉडर्न, वो लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो लास्ट वीडियो में जाके प्राइमर पानी देखें और वहाँ पे जाके देखें उसको। मैंने आपको ये जो दरिया के किनारे साउथ बैंक है, मैंने उसकी आपको सैर करवाई थी, ठीक है। अच्छा, अभी जो है मैंने आपको टेट मॉडर्न का जो विज़िट करवाया था वो मैंने सिर्फ बाहर से करवाया था, ठीक है। मैं कैमरे को उठाता हूँ और घुमा के आपको ज़रा बताता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। मैं कैमरा ज़रा सेट कर रहा हूँ। तो लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पे तो मैंने आपको बाहर से बताई थी और मैंने आपको ये बोला था कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो नेक्स्ट टाइम जाके मैं आपको टेट मॉडर्न को अंदर से जो है ना विज़िट करूँगा। और ये देखें पीछे मेरे जो आपको नज़र आ रही है सेंट पॉल, ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं इस टाइम पे, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बादलों के दरमियान और ये वो इतनी ज़बरदस्त लगेगी जगह। अभी प्रोग्राम ये है कि मैं अंदर जाऊंगा, अंदर जाके देखूंगा कि क्या सीन है और आपको इस टेट मॉडर्न जो आर्ट गैलरी है उसके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन वगैरह दूँगा। और मैं ख़ुद आर्ट से इतना इंटरेस्ट नहीं रखता, मुझे इतना शौक़ नहीं है आर्ट्स का। मैं तो सादा सा बंदा हूँ यार, मुझे आर्ट्स की समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ जो व्यूअर्स आर्ट से आर्ट के शौकीन हैं वो ज़रूर देखें ये वीडियो, आखिर तक देखें। और प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें यार कि अपने भाई को ना सब्सक्राइब ज़रूर कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, अपनी वीडियोज़ वगैरह पर जो है मुझे शेयर कर दो और दोस्तों को शेयर करो, कॉमेंट्स वगैरह करो कौन कौन से ये देखना है आपने लंदन में और क्या चीज़ चाहिए। मैं एक और वीडियो मेरी मुस्तकबिल में आएगी, उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी बेसिकली चैनल का इंट्रोडक्शन मैं उस पर कराऊँगा और के चीज़ चैनल का मकसद क्या है और चैनल्स वगैरह मैंने क्यों स्टार्ट किया, तो ये सारी मैं उस वीडियो में बताऊंगा। तो आप देखते रहिएगा, आपको मज़ा आएगा। चले फिर। सो ये इसकी मेन एंट्रेंस है, इस मेन एंट्रेंस से कोशिश करते हैं अंदर जाने की। अभी इतना बिजी नहीं है लेकिन जब टाइम गुजरता जाएगा, रात होती जाएगी, तो काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाएगा। वजह यह है कि जो आपको पहले भी बताया था, जो इसका होता है ना मंथ का एंड वाला फ्राइडे, उस पर इनकी एग्जीबिशन होती है, वो ये ओपन करते हैं उसको और काफ़ी ज़्यादा उसमें रश वगैरह आती है। अभी अंदर सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी वाले मेरा बैग ज़रूर चेक करेंगे कि कोई इसमें कोई ख़तरनाक चीज़ तो नहीं है, लगता भी मैं ज़रा ख़तरनाक ही हूँ शक्ल से। चलें जी फिर अपना टूर करते हैं स्टार्ट और आपको आर्ट बताते हैं। ये देखें और आराम है, ये देखें यहाँ से स्टार्ट किया। काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग्स वगैरह हैं तो मुझे नहीं पता कि कितना कितना एरिया मैं कवर कर सकूँगा, तो ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। मेरे भाई मेरे दोस्तों कुछ संगियों समझाओ यार, ये क्या है। अच्छा इसके साथ चलते हैं आगे, बताते हैं आपको। ये देखें ये
कुछ और शाहकार। ये देखें यार, माजरत अगर आप आर्टिस्ट हो या आर्ट से तलक रखते हो, अगर आपकी इसमें क्या कहते हैं दिल आज़ारी हुई है मेरी बातों से, लेकिन वाकई मुझे समझ नहीं आ रही है क्या चीज़ें हैं। मैं आर्ट से तलक नहीं रखता और मुझे नहीं समझ आ रही है क्या है, लेकिन जो है एक इम्पॉर्टेंट जगह है, बहुत ज़्यादा मशहूर जगह है, यहाँ पे लोग आते हैं, लोग आके इसमें काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। जैसे ये देखें ब्लॉग्स वगैरह हैं, अब मुझे नहीं समझ आ रही है क्या है, लेकिन एक ब्लॉग्स वगैरह बनवा, अगर चलें इसको देखते हैं ये क्या है। ये है जी पोएम वॉल 1963 से 1966 तक जो बनी थी, ठीक है जी, ये 1960 में बनी है, तो आप इसके बारे में वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं, लेकिन मैं इसके बारे में शौक नहीं रखता। ये देखें, ये भी नॉर्मल इसी तरीका कार से हैं, ये भी आपको नज़र आता जा रहा है। और ये देखें मज़ीद जी, तो मैं अभी वीडियोस वगैरह ले रहा था सेल्फ़ी स्टिक के साथ, ठीक है, वीडियोस वगैरह रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो सिक्योरिटी ने आके बोला कि जी आपको वीडियोस अलाउड नहीं है, आप पिक्चर्स ले सकते हैं, वीडियोस अलाउड नहीं है, और अगर आपने पिक्चर्स भी लेनी है तो आप सेल्फ़ी स्टिक इस्तेमाल नहीं कर सकते सिक्योरिटी पॉलिसी की वजह से। सो इसलिए लिमिटेड जो है किस्म की वीडियोज़ वगैरह मिली हैं और फुटेज मिली है, लेकिन मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं जो है पिक्चर्स वगैरह लगा दूँ। इनकी पॉलिसी का सेंस तो नहीं बनता, लेकिन यू हैव टू अबाइड बाय द लॉ एंड यू हैव टू अबाइड बाय द रूल। देखें ये एक और चीज़ है, इसको भी ये आर्ट बोलते हैं, लेकिन ये मेरी अंडरस्टैंडिंग से बिल्कुल बाहर है कि ये क्या हो रहा है यार। मुझे तो चुनटियाँ नज़र आ रही हैं, चुनकियाँ नज़र के बाद ये वो सामान उठा के लेके जा रही है। इसके अलावा मुझे कोई और कॉन्सेप्ट नज़र नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है मेरे दोस्तों। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझना चाहते हैं या अगर आपको इस चीज़ की समझ है तो मुझे भी समझा दो मेरे भाई।
जी नाजरीन, समुंदर की लहरें आपको, दरिया की लहरें आपको नज़र आ रही होंगी। और आज पानी का लेवल जो है ना थेम्स रिवर पे थोड़ा दूर तक है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा मौका मिल गया कि मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे आके इस वीडियो की फिनिशिंग कर सकूँ। ठीक है, तो टेट मॉडर्न में ऐसा हुआ कि मैं जब वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर रहा था, तो उस रिकॉर्ड करते हुए उन्होंने बोला कि टेट मॉडर्न के अंदर आपको वीडियो पर अलाउड नहीं है रिकॉर्ड करना। आप पिक्चर्स ले सकते हैं विदाउट सेल्फी स्टिक, लेकिन आप जो है वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए उस तो बहरहाल मैंने कुछ कोशिश की थोड़े से शॉर्ट्स क्लिप लेने की, और जितना कुछ हो सका मैंने वीडियोज़ वगैरह बनाने की कोशिश की। और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, और मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ आप लोगों का, जो लोग मेरी वीडियोस वगैरह देखते हैं, लाइक वगैरह करते हैं, कमेंट्स वगैरह करते हैं, बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ आपका। मेरी सपोर्ट जारी रखें ऐसे, और सब्सक्राइब वगैरह करें। मैं आपके लिए अगले व्लॉग में इंशाल्लाह एक और अच्छी जगह ले कर आऊँगा लंदन में, और एक और इंटरेस्टिंग जगह मैं लेके आने वाला हूँ। तो मेरा व्लॉग वगैरह देखते रहिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी। मुझे अब अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।